नमस्ते मित्रों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं काफी जल्दी जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच चुके हैं और हमारा सरप्राइज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया। तो हमारे पास अभी केक है, ये देखो ये अभी अभी आया है, और कुछ बैलून्स है, साथ में गिफ्ट भी है मम्मी का। और ये बैलून फुला रही है मेरी भाभी, यही आई है आज केक लेके आई है। तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बैलून करो जल्दी जल्दी, आने वाले किसी भी टाइम। तो हम जल्दी जल्दी डेकोरेशन खत्म करते हैं, और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी है हमारे पास आज। वो क्या है उसके लिए आप लोग देखते रहो, वो जब मम्मी अनपैक करेगी तब आपको दिख जाएगा। और मम्मी का रिएक्शन देखना है, मम्मी को इस पूरे सरप्राइज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मेरी भाभी अपने मायके गई हुई थी, तो ये ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद आज ही आई है मम्मी के बर्थडे पे। सो अब देखते हैं जब वो आएंगे तो हाउ शी रिएक्ट्स। ये लटका रहे थे, ये क्या भाई? था आपको एक्सपेक्टेड कि निधि आ जाएगी? केक कैसा है? बहुत ही अच्छा। और ये क्या है? ये क्या पता, ओपन करना है थोड़ी देर में कर। हाँ ओपन बाद में करना, काट कूट के नहीं, पर पता चल गया ना कि गिफ्ट है। है नहीं, मैं को पता चल गया कि कुछ तो है। तो केक में कैंडल्स लगाते हैं और उसके बाद जो भी खाने की आइटम्स हैं वो निकालते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा आपका भी है? मेरा 14 था ना। ओ हाँ, बताया ही नहीं। तो खाने की भी तैयारी हो गई हमारी, खाने में क्या क्या है वो दिखाती हूँ अभी। तो एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी भी पकोड़े ले आई और निधि भी पकोड़े। मम्मा पूछे थे क्या लाऊं, तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा मना करूंगी तो इनको डाउट हो जाएगा, तो डबल डबल पकोड़े हो गए। पर हम खाने वाले बहुत है तो खाई जाएंगे। तो खाने में हमारे पास है मोमोज, ऑल टाइम फेवरेट, और फिर बहुत सारी चटनियां हैं। एक प्याज की चटनी है, एक सॉस है, एक ये लाल मिर्ची वाली चटनी है, और ये है पकोड़े हैं, और मम्मी का गिफ्ट, और साथ में मीठे में तो केक है। तो पापा चाय लेके आ रहे हैं, आज पापा भी आज सभी बर्थडे गर्ल की सेवा में हाजिर हैं। It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. करो सब अपने खुद ही डालो। मेरे को ये बताओ अब टेस्ट कैसा है? अच्छा चलो, तो फिर आप सीधा खाने में अटैक करते हैं। मगर आज बर्थडे है और आज इतना कुछ घर पे आया हुआ है, मगर एक तो मेरी अक्लदार आ रही है वाली, और साथ में गला भी खराब है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो गई हुई है, तो खाया नहीं जाएगा। मिर्ची वाली चीज तो स्पेशली खाई नहीं जाएगी, और मोमोज मेरे फेवरेट है ऑल टाइम, तो मैं मिर्ची वाली चटनी के साथ नहीं खाऊंगी, मगर प्लेन वाली चटनी के साथ तो खा ही सकती हूँ। तो अभी हम थोड़ा पेट पूजा करते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं। खाया नहीं जा रहा, दाल पी है इस साइड से, नहीं खाया जा रहा। अक्कल
तो भाई मेरे गिफ्ट की तो कोई कीमत ही नहीं है, किसी ने हमारा गिफ्ट नहीं देखा, मेरा नहीं एक्चुअली, मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी, हम तीनों ने मिलके मम्मी के लिए लिया है। सो गिफ्ट की कोई कदर नहीं, ऐसे साइड में पड़ा हुआ और सब, मतलब पहले खाने को टूट के पड़े और अब खाना पीना खत्म करके, तो अब मैंने स्पेशली वापस इकट्ठे किए सब के, आओ भाई गिफ्ट तो खोल लो, हमने इतने प्यार से गिफ्ट लिया, वो तो खोलो देखो क्या है। तो पापा को भी बुलाती हूँ, सबको इकट्ठा करके मैं फिर ही खोलेंगे गिफ्ट। पापा केम ऑन, हमें क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसे लग रहा है कोई परफ्यूम या लिपस्टिक, कोई कॉस्मेटिक्स। तो पहले गिफ्ट देख लो, ये देखो, इसको देख के वैसे तो ये एकदम सही गैस हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पापा आपका गैस क्या है? घड़ी कुछ और ही लग रहा है मुझे। मुझे लग गया पता, क्या है बताओ, यही मुझे चाहिए थी। क्या है बताओ? घड़ी है और क्या? घड़ी तो है, कौन से? नहीं तो मेरा गैस तो बिल्कुल ठीक था। आपका गैस तो ठीक था। हाँ, इसको बोलते हैं स्मार्ट बीपी, तो नहीं स्मार्ट वॉच। मित्रों ये वाली घड़ी ली है मम्मी के लिए, फास्ट ट्रैक की है ये। MI की भी थी, बट MI क्या वो चाइनीज कंपनी, तो मेरा मन नहीं किया फिर चाइनीज माल लेने का। हाँ तो हमारा गिफ्ट मम्मी को पसंद आया, एक्चुअली मम्मी लास्ट ईयर से बोल रही थी कि ये चाहिए, तो अब जाके ये मैंने, हमने मम्मी को लेके दी है, अच्छी लग रही है। और क्या, मेरा भाई है नहीं मगर सब कुछ वो वहाँ बैठा बैठा, अभी जयपुर में है, वहाँ बैठा बैठा सब कुछ फोन पे मैनेज कर रहा है, और साथ में हमको डांट भी रहा है, बोलता कि नहीं रुको बाहर रख के बताती हूँ आपका फोन कहाँ है। तो मेरे भाई से ये डांट पड़ी, बोलता मम्मी लोग पहुंच गए थे और तुम्हारी डेकोरेशन अभी खत्म नहीं हुई थी, तुमको सब सब टाइम पे करना था। मैंने बोला तू चुप कर वहाँ बैठा बैठा ज्यादा मत ऑर्डर दे, वैसे भी क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम दोनों यहीं बैठे तो तू तो चुप ही रहे। बट चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, और मुझे सबसे स्पेशल जो हमारे लिए वो घड़ी थी, क्योंकि मम्मी को एक साल से चाहिए थी, तो फाइनली जाके मम्मी के बर्थडे पे हमने खरीदी ली वो वाली घड़ी। और सुबह सुबह सबसे पहला गिफ्ट तो पापा ने दिया मम्मी को, एंड दैट वाज सो शॉकिंग, क्योंकि पूरा अच्छे से पैक वगैरह करके मम्मी के बेड पे रखा हुआ था, सो दैट वाज सो सरप्राइजिंग कि अच्छा पापा ने ऐसा किया, सो वी वर ऑल सो हैप्पी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि पापा ने क्या गिफ्ट दिया है। तो पापा ने बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट दिया है, ये देखो। सो ये दिया है पापा ने, एक डेरी मिल्क सिल्क और फेरेरो रोशर मोमेंट्स। इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, पहन के रखो। हाँ मैं इसकी ऐप करती हूँ डाउनलोड, ये कौन सी फास्ट ट्रैक की। अभी तो आपको पता है कि स्मार्ट वॉच है, ये नहीं पता होता फिर आपने मान लिया क्या दे दिया मैं, वो इतना टाइम दस्ता दी मैं ऑन वाली। एक हाथ लाना मैं यहाँ इतनी दर्द में बैठी हुई हूँ, ये पेन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अभी ऐसा हो रहा है जैसे सुबह बहुत ज्यादा होती है, सुबह फिर मैं कागज करके हटी थी तो ठीक हो गई थी, और रात तक फिर ज्यादा और ज्यादा बढ़ गई है, बीच में भी ठीक थी, अब काफी ज्यादा हो रही है, यहाँ थोड़ी स्वेलिंग भी है। तो मेरी मम्मी बैठी छोटू से फोन पे गप्पे मार रही है और मैं चिढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी दर्द में बैठी तो मुझे थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए भाई। तो मम्मी तो फोन पे मस्त है छोटू के साथ, मेरे को भी देख लो इतनी दर्द हो रही है मेरे को। हाँ, भी देखते हैं छोटू से कर लेते हैं। थोड़ी अदरक लौंग वाली चाय दो मेरे को भी, चलो मैंने करना था मैंने तो फिर पार्टी हमारी खत्म हुई, अब थोड़ी अपनी टेक केयर करती हूँ मैं, चाहे तो मुझे खुद ही जाके बनानी पड़ेगी, अपनी लौंग और अदरक डाल के चाय बनाती हूँ, क्योंकि लौंग अच्छा होता है ये टूथ पेन के लिए, और साथ में गला भी खराब है, तो मेरे को 2-in-1 प्रॉब्लम है। और काफी दो दिन हो गए और पता नहीं कितने दिन चलेगी, मम्मी कितने दिन रहेगी इसकी दर्द दांत की? 2-3 दिन और शायद कल ही ठीक हो जाए। हाँ सो गाइस, फिर मैं हम अपनी चाय बनाते हैं और आप लोगों को मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट।